ऊंचाई इतनी जल्दी थक गए। ओ वाह यार क्या मौसम, मस्त सिटी लग रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा पर बहुत मस्त सिटी लग रहा है यहाँ से व्यू। कमर देख सकते हो, बहुत मुश्किल से पहुंच गए हम। देख लो पीछे केव्स है और मुझे लगता है यहाँ से कोई पावती कटवानी पड़ेगी। अभी पूछते स्लिप यहाँ से करवानी सर, वीडियो बंद करना है। ओके सर। ये केव है, यहाँ पे देख पानी भरा हुआ है, अच्छी है यार काफी अच्छी है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, बोला तो वीडियो नहीं बना सकते, हर जगह सीसी लगा हुआ है तो सीसी दिख नहीं रहा है कहाँ पे। तो ये केव एक तरह की, यहाँ पे मेरे हिसाब से बैठ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो जो भी अपना करते थे वो यहीं पे करते थे ऐसा। रियल होते हैं कमाल की केव्स है। क्या क्या अच्छी केव बनाई हुई पूरी, अच्छे से लोग गुफा बना के। मेरे हिसाब से ही यहाँ पे सोने के लिए होता था, दिख नहीं रहा होगा। ये पानी स्टोर के लिए देखो जगह जगह, आप अब तो खैर नहीं होगा, नहीं पहले था। बाकी टेम्परेचर अंदर बहुत टेम्परेचर कम है, पूरा गुफा ठंडी है पूरी अच्छे से। जा रहे हम देख लो यार, बहुत ही कमाल की जगह है। हिस्टोरिकल के साथ साथ में देखने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, ऐसा नहीं भाई पूरा नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा फील आता है यहाँ पे आके आपको, लेकिन इतना इसको संभाल के नहीं रखा हुआ है जितना होना चाहिए। अगर ये कहीं बाहर होती आउट ऑफ इंडिया तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रखती, वैसे बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है इसमें कुछ तो छेड़छाड़ नहीं की हुई है, अच्छी बनी हुई है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। ये देखो पूरा पत्थर पहाड़ को तोड़ के अंदर ऐसे गुफा बनाई हुई है। एक्चुअली यहाँ पे जो मॉन्क्स होते थे वो सब यहाँ पर अपने ध्यान करते थे, जो यहाँ पे देखो जो बने हुए हैं वो सब ध्यान करने के लिए होते थे। रियली बहुत अच्छे बना हुआ, ये देखो कमाल की जगह। अगर आप कभी यहाँ पर नासिक आओ तो यहाँ पे आगे जरूर जाना, पूरा अंधेरा है। ये आप देख सकते हो, कहते वीडियो अलाउड नहीं है पर सारे लोग बना रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर पानी स्टोरेज का अलग ही सिस्टम था, कमाल के स्टाइल से पानी स्टोर किया जाता था और यहाँ से निकाल भी सकते थे। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, फिर भी मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो बौद्ध धर्म की स्टैचू है बने हुए, जिसको प्रॉपर पत्थर के अंदर ही काट के बनाया गया, ऐसा नहीं बाद में लगाया हुआ है, बिल्कुल पत्थर के अंदर काट के बनाया हुआ है। देखो
अंदर जाते हैं। ये देखो भाई साहब, मोस्टली सारी केव है, गुफा एक तरह की, जैसे यहाँ पे मॉन्क ऊपर बैठ के वो अपना ध्यान करते थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे पानी स्टोर होना चाहिए, स्टोर होता था और यहाँ से होके जाते थे ऊपर। तो ये बाकी सारा पानी स्टोर आपको देख सकते, लाइनें दिख रही है वैसे, जैसे पुराने टाइम में या बारिश में यहाँ पे पानी स्टोर होता था और अभी भी होता होगा, वैसे बारिश नहीं है। अगर महाराष्ट्र में वैसे भी बारिश बहुत होती है तो पानी तो स्टोर होते ही होता है। तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये आ जाने के लिए वो सेम ही है, और ये जो केव है वो सिर्फ मेरे हिसाब से वहाँ यहाँ तक ही है, पर घूमने के लिए सारा पार काट के बनाया होगा मेरे हिसाब से रास्ता आने जाने के लिए। पर यहाँ से बंद बता रहे हैं, शायद बंद होगा, यहाँ पे काम कुम चल रहा है कुछ। लेकिन भाई एक नंबर मौसम है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, पर जा सकते, जाने वाले जाते ही हैं। वो दो भाई है वो भी जा रहे हैं वहां से। वो भाई मुझे बुला रहा था कि आ जाए यहाँ से हमारे पीछे पीछे, वो वीडियो बनाना है था। एक नंबर भाई, ये देखो ये यहाँ से बैरियर तोड़ना पड़ेगा। ये देखो क्या मस्त नज़ारा लग रहा है, क्या है। तो फिलहाल हम इस गुफा के अंदर जाते हैं। आपने देख लिया होगा मोस्टली यहाँ पर सब जगह आपको भगवान बुद्ध की ही मूर्ति मिलेगी, क्योंकि इसको बुद्ध केव ही कहते हैं। तो आप जहाँ भी देखो, एक्चुअली यहाँ पे जो थे, जो मॉन्क्स जो भी थे बुद्ध भगवान को मानने वाले, तो वो यहाँ पे आके अपनी साधना करते थे। सो ये वो है, अगर बाहर देखो तो आपको पूरा सिटी का व्यू देखो। एक्चुअली क्या सिटी के नज़दीक ही है, इसीलिए आपको ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ता। यहाँ की सबसे अंधेरा बहुत है, यहाँ कुछ दिख तो नहीं रहा है, पर ये मूर्ति बहुत ही, ये इस केव की सबसे बड़ी मूर्ति है। तीन मूर्ति है, तीन ही है, तीन मूर्ति है। अभी आए हम इस मंदिर में, आप देख सकते हो इसकी कारीगरी कितनी है, कमाल की है। ये स्तंभ बने हुए हैं सारे, और एक टाइप का ये मंदिर है बिल्कुल प्रॉपर, जो आपको तकरीबन ये पता ही है बौद्ध धर्म में, जहाँ भी आप जाओगे आपको ये ऐसा सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ऊपर देख सो पहाड़ को काट के कैसी कमाल की कारीगरी बनाई गई है, और जो सारे के सारे ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं वो सारे पत्थर काट के ही बनाए गए, ऐसे नहीं एक्स्ट्रा कोई लगाया हुआ है, ये सारा का सारा जो मंदिर है ना पत्थर काट के ही बनाया गया है।